अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं निकला हूँ वाटरफॉल देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है, सनी डे है। तो रास्ते में मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जाऊँ, लेकिन ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए कोई वीडियो शॉट नहीं ले सका, क्योंकि ज़रा डेंजरस है। और यहाँ पे मैं ज़रा रुका हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने कोई 45 मिनट्स की ड्राइविंग की हुई है। और यहाँ पे रुका हूँ मैं रेस्ट के लिए, और मैंने कहा कि आपको ये जगह भी दिखाता जाऊँ, अगर आप लोगों ने आना हो तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे बुकिंग करके। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ एक रास्ते में ही, जो है छोटा सा वहाँ लुकआउट आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक बड़ी सी दरख्त हुआ करती थी, तो इन्होंने उस दरख्त को काट दिया, पता नहीं क्यों, शायद गिरने वाला था इसलिए। और काफ़ी खूबसूरत मौसम बना हुआ है आज, ये एक छोटा सा लुकआउट है, आप लोग देखिए इंजॉय करिए। और अगर आपने आना हुआ तो इस साइड काफ़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा हुआ है कि आप हज़ारगी में भी बात करें, तो चलिए मैं आपके साथ आगे से उर्दू में भी बात करूंगा और हज़ारगी में भी बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, चले खूब जायजते हैं इसके साथ ज़रूर वाइन हमारे का पार्टनर हमारे का तो चाय बहरीन कॉफ़ी बहरीन ज़्यादा टाइम का सा एनर्जी का सा एनी चाय एकदना जो चीज़ा का सा गाड़िया में साथ कॉफ़ी सौदा होना इम रोज़ नहीं ऐसा, मोस्ट लाइकली संडे सैटरडे और संडे को यहाँ पे जो है एक गाड़ी खड़ी होती है और जो कॉफ़ी वगैरह बेचती है, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, आगे जो है एक और लुकआउट है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा मंजर, तो चलिए मेरे साथ। जी तो दोस्तों, ये आप मेरे पीछे ये सड़क देख रहे हो, ये डाउनहिल जो पिछली पहले जगह पे जो लुकआउट पे हम लोग रुके थे, ये कोई 10 मिनट आगे ड्राइव करने के बाद ये जगह आती है। और आप देख सकते हो ये दूसरा लुकआउट है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो ये है हम दूसरा लुकआउट,
जी तो गाइस अभी हम पहुंचे टोरोंगो फॉल्स के कैंपिंग एरिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी फायर पिट्स है, जहाँ पे फायर पिट्स बनी हुई है इसका मतलब आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, कैंप लगा सकते हो अपना। आज है मंडे, आज तारीख कौन सी है, 3 अप्रैल जी, तो आज 3 अप्रैल है और उतना रश नहीं लगा हुआ। आप देख सकते हो वहाँ पे वो एक दो बाथरूम्स लगाई हुई है लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपने वीकेंड पे यहाँ पे कैंपिंग के लिए आना है तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी फ्राइडे को आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, या दोपहर को या सुबह को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश होता है, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज़ है मेलबर्न सिटी से, तो इसलिए काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप लोग देख सकते हो। और नीचे रिवर भी है, तो आपको मैं रिवर दिखा देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह है जी। तो गाइस ये रिवर है कैंप साइट के बिल्कुल नज़दीक ही, और आप देख सकते हो ये क्या बात है भाई। जो वाटरफॉल है वो कोई 2-3 मिनट वहाँ से ड्राइव आगे, मेरा मकसद था आपको यहाँ पे दिखाना, और असल में मैंने आपको दिखाना था वाटरफॉल, तो चलते उसी तरफ। अगर मैं वॉकिंग कर लूँ, यहाँ से वॉकिंग का रास्ता भी जाता है, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। चलते गाड़ी के साथ जी। तो गाइस अभी हम पहुँच गए यहाँ पे लास्ट, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, और आज मेरे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम। जी तो दोस्तों मैं अपना बैग वगैरह ले लेता हूँ, जैकेट भी इसमें रख देता हूँ, क्योंकि पता नहीं आगे अगर सर्दी हुई ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे लगेगी ठंड। पानी भी उठा लेता हूँ, पानी की बोतल, और ये एक टॉयलेट यहाँ पे बनाया हुआ है, या पे एक अच्छी बात है कि टॉयलेट बना देते हैं लोग काफ़ी जगहों पे, तो बंदे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो टोरोंगो फॉल्स क्या हुआ है, वॉकिंग ट्रैक रिपेयर प्रोजेक्ट, हाँ यार कोई नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, ये आप इस पे ना जाइएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है कि रिटर्न 1.2 किलोमीटर 30 मिनट्स 45 मिनट्स, तो ये जो लोग स्लो चलते हैं उनके लिए जी। तो काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है, और मैं भी हूँ इस जंगल में अकेला, तो ये पता नहीं कैमरा क्यों हिल रहा है। चल चल ये सही हो गया भाई, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ पानी की। अरे तो जी जनाब, ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र बना हुआ है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अरसे के बाद मैं आया हुआ हूँ।
कुछ एक दोस्त जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे जो है पता है मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। कुछ एक दोस्त है कहते हैं कि आप सिर्फ ये कहते हो कि हम आ रहे हैं हम जा रहे हैं, अभी मैं क्या कहूँ फिर, आप मुझे बताओ। यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक ये रास्ता और एक ये। ऊपर दो वाटरफॉल है, तो पहले आपको बड़ा वाला वाटरफॉल जो इस रास्ते पे आता है आपको दिखाऊंगा, फिर वापसी पे हम जो है इस रास्ते से वापस आएंगे, ठीक है ना? तो चलो चलते हैं भाई। यहाँ पे जाते हुए आपने एहतियात करना है, क्योंकि अगर बारिश हुई हुई थी एक दिन या दो दिन पहले तो ज़मीन थोड़ी गीली होगी और आप स्लिप भी कर सकते हो यहाँ से और गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है आपको। तो अभी तो मैंने वॉकिंग शुरू ही की है और मेरी सांस फूलनी शुरू हो गई है, तो हाँ बातें कम करता हूँ भाई मैं। यहाँ पे आप जब नेचर में आते हो ना तो खामोशी ऐसी है ना कि अगर कोई बंदा जो है नेचर का शौकीन हो और बुश वॉकिंग का शौकीन हो तो काफ़ी मज़ा आता है। कोई नहीं, सिर्फ पानी की आवाज़, हवा की चलने की आवाज़। जी तो दोस्तों, अभी एक बात आप मेरी जो है याद रखिएगा, अगर आप अकेले आते हो तो किसी को बता के ज़रूर आना ऐसी जगहों पे, और कोशिश करिएगा कि आप यहाँ से अंधेरा रात होने से पहले आप निकल जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, डरना ज़रूरी है भाई। यार इस ट्राईपोड ने तो मुझे काफ़ी तंग किया हुआ है, ठीक है ना? इस ट्राईपोड को मैं यूज़ करने नहीं जानता क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट ट्राईपोड है, और दूसरी मुसीबत इसकी ये है कि भाई इसकी टांगें जो है काफ़ी छोटी है, तो अगर मैंने वीडियो बनाना हो तो ये किसी बुलंद जगह पे रखे फिर मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो इसकी टांगें कमबख्त चोटी है, तो वीडियो सही से नहीं बनती है। और ये पहले वाटरफॉल पे हम लोग पहुँच गए तकरीबन।
जी तो दोस्तों, ये हम ट्रोंगो फॉल्स पे पहुँच गए। ये ट्रोंगो फॉल्स बिल्कुल काफ़ी नज़दीक था शॉर्ट वॉकिंग। और दूसरा जो है छोटा वाटरफॉल भी वो साइड में, फिर वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, वाटरफॉल। तो अभी चलते आगे की तरफ, और रास्ता जाता है यहाँ से। हम आए थे यहाँ से और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी भाई। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग चिढ़ते हैं मेरी इस जुमले से, तो अब मुझे कोई काइंडली मुझे कोई दूसरा जुमला बता दे, ठीक है ना। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और मॉडिफाई नहीं हो सकता भाई। पहले हम बंदे ज़्यादा थे तो मैं कहता था कि हम तीन जन थे पहले, तो मैं कहता था कि भाई हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको कोई और जुमला आता हो रिप्लेस करने के लिए तो आप मुझे बता दे, ठीक है ना, फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा। जी तो दोस्तों, अगर सीरियसली अगर आप नेचर के शौकीन हो, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, आप बुश वॉकिंग में जो है आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, तो आप काफ़ी इंजॉय करोगे ये जगह। ये काफ़ी
माइंड ब्लोइंग है भाई, बसार खूब जायसा है। एक रफीक आदम आस्ता खैल एक अहमक आदम आस्ता नाम शम का कासुम आस्ता द सिडनी है। ठीक है वो का हमेशा वक्त वो मगा कि अजरगी बगी अजरगी बगी वो उर्दू याद ना रहा वो बच्चा दिल खबाद ना किए तो नाम अस्तराम कर तो मैं नजरगी हम कब मकूँ खो अजरगी चीज़ माँ शेर यार कोटिगी कब मकूँ दिखे शेर यार अगर कोटिगी फैमिली खूब है दिखा ना फैमिली दिखा मर खरज नहीं हाँ इन जगह अब यह अहमक खेल खूब जाया है। کم آوازی او کم از زور است شاید آواز ما معلوم شن تو پانی کی آواز تھوڑی زور سے آ رہی ہے۔ دوسرے واٹر فال پہ بھی ہم لوگ پہنچ گئے ٹھیک ہے نا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے واہ 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 ये हसी वादिया ये खुलासमा हाँ यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो बना के मैंने जाना है वहाँ पे तो उस पर वहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा अपना पेट पूजा करना है ठीक है ना। रास्ता तो बंद है जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन यहाँ से हम गुजरेंगे इसके नीचे से ठीक है ना। कुछ एक आध और टूरिस्ट आए हुए तो वहाँ से हाथ हिला रहे हैं मेरी तरफ और जी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिल्कुल वाटरफॉल के टॉप में ठीक है ना। मेरी कई यहाँ से मेरा पाव पिसले ना तो ये चीज़ मेरे भाई ये चीज़
जी तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं और हम नहीं यार, ये फिर से हम वाला मामला हो गया ना। अभी मैं वापस जा रहा हूँ और ना रास्ता नहीं है। कोई एक हद यूट्यूबर होते हैं, जैसे कुछ यूट्यूबरों को मैंने चेक किया हुआ है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, पता नहीं उनको बात करनी आती है या फिर पता नहीं किस तरह। मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि यार मैं आप लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ, ठीक है ना भाई। आप लोग वीडियोस को तो देखते हो, जिन्होंने सब्सक्राइब की हुई है तो उनका मैं मशकूर हूँ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे जो है प्रमोट करें, ताकि शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ शायद कुछ एक आध दोस्त भी मुझे मिले। और हाँ, वैसे एक बात है, पाकिस्तान से जो है एक यूट्यूब चैनल है चाय खाना, क्वेटा चाय खाना, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते थे पहले, अभी भी उनकी वीडियो सही है। जैसे कि उनमें है, मैं कुछ एक आध दोस्तों को जानता हूँ उसमें, यासीन भाई है, ठीक है ना, और दूसरा यासिर भाई है, यासिर भाई से हम लोग एक साथ काम करते थे यासिर भाई के साथ क्वेटा में, तो बाकी अमान भाई है और एक वो दूसरा भाई है, तो उनको मैं ना ही जानता हूँ ना ही उनका नाम मुझे मालूम है। एक और भाई भी है, तो वो लोग गए हुए थे नॉर्थ की तरफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाई हुई थी उस लोगों ने, सफ़रनामा शमालनामा। सो मुझे काफ़ी जो है अच्छी लगी उनकी वीडियो, और मैंने कोई 3 बार उनका जो है वही शमालनामा देखा हुआ है। आप लोग भी देखिए, ठीक है ना, YouTube चैनल उनका है क्वेटा चाय खाना। तो काश मेरे भी कुछ एक हाथ ऐसे दोस्त हो जो कंपनी दे हमें और हम जाए, ठीक है ना। काफ़ी खूबसूरत, निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं कि लेट हो जाऊंगा तो अंधेरा होने से पहले मैंने निकलना है, और एक दोस्त को भी मैंने टाइम दिया हुआ है, उनसे मैंने मिलना है, और कोशिश करता हूं कि जल्दी मैं पहुंच जाऊं, ठीक है ना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। दोस्तों यार पता है क्या, मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है और गाना गाना भी नहीं आता है, लेकिन आप लोग माइंड ना करिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा कभी कभार गुनगुनाता रहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो, ठीक है। हाँ जी जी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैं पहुंच गया वही जो साइन बोर्ड था, ये उस रास्ते से मैं गया हुआ था, और
इस रास्ते से मैं वापस आया हूँ, ठीक है ना। तो कार पार्क भी नज़दीक ही है। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अगर मेरी कोई गलतियाँ हो तो मुझे बता दे ज़रूर, क्या ताकि मैं अपनी गलतियों को रिकवर कर सकूं और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।